बहुत मजा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? एक मिनट, हम लोग बात करेंगे शेप्स के बारे में। अब आप रुको जरा, सबर करो, जब क्वेश्चंस के आंसर दोगे ना तब तुम्हें मिलेंगी। कुली बाबा, आज हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। सारण को तो शेप्स जब सारी पता चल जाएंगी ना तब भी उसको मिलेगा। आप भी मेरे साथ सीखोगे ना तो फिर वीडियो का एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा बताओ ये क्या है? समोसा खुशबू। ये समोसा है, इसकी शेप क्या है? गेस करो। वाओ, एकदम सही जवाब। देखो ट्रायंगल जैसा ही है ना। देखो फ्रेंड्स, थ्री कॉर्नर्स वाली खाने की चीज को कहते हैं ट्रायंगल। सर ने सही गेस किया। अरे तुम तो छीन कर खा भी गए। आप भी तो खा जाते हो, वैसे नाम से दलाते हो खाए। चलो अब बताओ, खा लिया है ना, अब बताओ ये क्या है? आधा तलाया। अरे बुद्धू, ये आधा ट्रायंगल ही आधा समोसा है। अरे बाप रे, कभी कहते समोसा है, कभी कहते ट्रायंगल है। अच्छा अगर ये पूरी चीज है ना जो थ्री कॉर्नर्स वाली होती है उसको कहते हैं ट्रायंगल, अगर ये आधी है तो फिर कहते हैं आधा समोसा। तो फ्रेंड्स आपने सीखा ना, थ्री कॉर्नर्स वाली चीज को कहते हैं ट्रायंगल, समोसा नहीं कहते। अरे यार, समोसा बोलो तो ट्रायंगल बोलो। अच्छा हम तो इसको समोसा बोल सकते हैं लेकिन शेप तो ट्रायंगल ही है ना फ्रेंड्स। चलो सान अब बताओ ये क्या है? कबाब। और इसकी शेप क्या है? इसमें भी शेप। हाँ बताओ ना फ्रेंड्स, आपको पता है ये क्या शेप है? जल्दी से बताओ। मैं बताता हूँ, ये है सर्कल। सांगी क्या है? सर्कल। ये भी उठा कर खा गया। तो फ्रेंड्स हमने तो ये पूरा खा लिया, बहुत मजा आया। अब बताओ सारे ये क्या है? आधा कबाब। अरे ये है सेमी सर्कल, है ना फ्रेंड्स? सेमी सर्कल। सर्कल को अगर हम हाफ करें तो ये बन जाते सेमी सर्कल, बिल्कुल डी की तरह। सारे क्या है ये? सेमी सर्कल। आप भी सीख गए ना फ्रेंड्स, अभी और भी है। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट शेप की तरफ। सान बताओ ये क्या है? क्या है ये? दोस्त। हाँ लेकिन इसकी शेप क्या है? ब्लैक। अरे बुद्धू, ये है स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। हाँ इसको तो हर चीज खाने की पड़ी है। अच्छा अब बताओ, नहीं मैं आपको ना एक मैजिक सिखाता हूँ। अगर हम लोग इसको ब्रेड को अगर इस तरह से कट करें तो ये हाफ स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा ट्रायंगल। सैम बताओ ये कैसे बन गई है शेप? समोसा। ट्रायंगल समोसा, सही बात है ट्रायंगल। स्क्वायर को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा ट्रायंगल।
अगर हम लोग एक और मैजिक सिखाता हूँ सारे। अच्छा, अगर हम ब्रेड को इस तरह से करेंगे तो फिर ये बनेगा हाफ स्क्वायर और ये बन जाएगा रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल। हाँ, क्या शेप बन जाएगी? रेक्टेंगल। आप भी बोलो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बिल्कुल ऐसा है जैसे चॉकलेट की शेप होती है। रेक्टेंगल के भी फोर कॉर्नर्स होते हैं जैसे स्क्वायर के होते हैं, दो लंबे और दो छोटे। स्क्वायर के तो दो, स्क्वायर के तो चारों सेम होते हैं और ये दो बड़ा और दो छोटा होता है। फोर कॉर्नर्स वाले सब चीज स्क्वायर नहीं होती है। अगर वो चारों कॉर्नर सेम हो तो फिर वो होता है स्क्वायर, और अगर दो कॉर्नर्स लंबी हो और दो छोटी हो तो फिर वो बन जाता है रेक्टेंगल जैसे चॉकलेट। हमारी नेक्स्ट शेप है ओवल। इसकी भी सेम। ओवल ना सर्कल की तरह तो नहीं होता, गोल गोल, एक साइड बड़ी होती है और एक साइड नुकीली होती है। अभी क्या कहते हैं इस शेप को? ओवल। हाँ, इसको खाने में लग रहा ना, ये कच्चा है? नहीं, नहीं। रो है ये नहीं। दुनिया भी गोल होती है और कबाब भी गोल होता है, लेकिन दुनिया कबाब की तरह नहीं होती, ऑरेंज की तरह होती है, क्योंकि इनकी तो कॉर्नर्स है नहीं। वैसे दुनिया की होती है सफेद शेप और कबाब की होती है सर्कल शेप। दोनों गोल हैं लेकिन शेप्स डिफरेंट हैं। अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड्स, दुनिया में तो कोई कोना होता नहीं, तो फिर आदमी ये क्यों कहता है कि मेरे जैसा अच्छा लड़का किसी कोने में नहीं मिलेगा? दुनिया सफेद है और उसमें कोई कॉर्नर नहीं है जैसे आप देख सकते हो। अच्छा बताओ, दुनिया सच्ची मुच गोल है या फिर लोग कहते हैं कि मेरे जैसा कोई कोने में नहीं मिलेगा? कमेंट में जरूर बताना कि दुनिया का कोना है या फिर नहीं है। आज की सब शेप्स आपने सीख ली ना, ट्रायंगल होता है समोसे के जैसा और सर्कल होता है कबाब के जैसा और स्क्वायर होता है टोस्ट के जैसा और ओवल होता है अंडे के जैसा और रेक्टेंगल होता है चॉकलेट के जैसा और सफेद होता है ऑरेंज के जैसा। अरे भाई साहब बस में तो दे दो, खाने में तो दो। अगर आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।